संजना सांगी की बात करें तो उन्होंने दिल बेचारा में काम किया था, देन उसके बाद उनको फिल्म मिल गई जिसका नाम था ओम द बैटल विद इन। अब इन दोनों मूवीज के बाद वो जल्द ही एक बड़ी पिक्चर करने जा रही हैं। कौन सी है वो बड़ी पिक्चर, आइए करते हैं बात। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों संजना सांगी की बात करें तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया है फिल्म दिल बेचारा में और उस मूवी को काफी ज्यादा प्यार मिला था। अगर हम संजना सांगी की बात करें तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया था उस फिल्म में और उसके बाद उनको फिल्म मिल गई जिसका नाम था ओम द बैटल विद इन। अब ओम के बाद उनके पास एक और बड़ी मूवी आ गई है दिनेश विजयन की। जी हाँ, दिनेश विजयन जो जल्द ही हमारे लिए हॉरर कॉमेडी जॉनरा की सीरीज लेके आएंगे, क्योंकि स्त्री उन्होंने बनाई थी, रूही भी उनकी है और भेड़िया भी वही बना रहे हैं और जल्द ही वो इन सारी पिक्चर्स के कलाकारों को एक फिल्म में जरूर लेके आएंगे। अब देखना यही बाकी है कि कौन सी मूवी होती है वो, लेकिन संजना सांगी को दिनेश विजयन ने कर लिया है कास्ट अपनी नई फिल्म में। अगर हम फिल्म की बात करें तो ये स्त्री का प्रीक्वल होगा और इस फिल्म का टाइटल रखा गया है मुंजा और इसमें कास्ट किया गया है संजना सांगी को। अब देखना यही बाकी है कि किस तरीके का रोल होता है संजना सांगी का और क्या ये वही पिक्चर है जिसमें सारे कैरेक्टर्स जो दिनेश विजयन की सीरीज में आए हैं वो सब इकट्ठे होंगे या फिर नहीं। अगर हम बात करें दिनेश विजयन की तो आपने उनकी स्त्री तो देखी होगी जिसको काफी ज्यादा प्यार मिला था, उसमें आपको नजर आए थे राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर। देन उसके बाद रूही की अनाउंसमेंट हो चुकी है जिसमें राजकुमार राव, जाह्नवी कपूर और वरुण शर्मा नजर आएंगे और उसके बाद दिनेश विजयन के पास फिल्म है जिसका नाम है भेड़िया, जिसमें कृति सैनन और वरुण धवन नजर आएंगे। अब देखते हैं कि मुंजा में और कौन सी टीम होती है, लेकिन संजना सांगी ने कर दी है इस फिल्म को हाँ। अब देखते हैं कि किस तरीके की होगी ये फिल्म। अगर हम संजना सांगी के रोल की बात करें तो पहले मेकर्स ने ये फिल्म आलिया भट्ट को ऑफर की थी, लेकिन आलिया के पास कुछ डेट्स नहीं थी इसलिए संजना को फिर अप्रोच की गई और संजना ने इसको हाँ कर दी। तो दोस्तों आपकी क्या राय है फिल्म मुंजा पे, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।